इंसान इंसान के कामयाबी से जलता है, तो मुझे लगता है कि जानवर बहुत वफादार होते हैं। इंसान के साथ काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जानवरों के साथ काम कर लीजिए। बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म है भोजपुरी सिनेमा में, अभी तक तो फिल्में ऐसी नहीं बनी हैं। इस फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, और हाथी को लेकर के एक ऐसी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को उम्मीद नहीं होगा कि हाथी इस तरीके का भी काम करेगा। दो भाइयों की कहानी है, एक भाई यश कुमार है और एक भाई हाथी है। तो एक भाई के लिए कितना समर्पण दिखाता है और किस हद तक जाता है, ये सब सिनेमा में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन रही है जिसका नाम है हाथी मेरे साथ। लहंगा चोली ढोंडी में घुसे हुए थे, मैंने सोचा कुछ अलग करता हूँ, दर्शकों का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। हाँ, तो फिर मैंने टारगेट किया कि यश कुमार की फिल्मों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा जो एक माँ नहीं देख सके, एक बहन नहीं देख सके, एक भाई बहन एक साथ बैठ करके ना देख सके, एक माँ बेटा एक साथ बैठ के ना देख सके। तो हमने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई है जो जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से लगता है मुझे कि बाहर निकल करके कुछ अलग करूं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अलग करने की शुरुआत मैंने बिटिया छठी माई इंडस्ट्री में आया था, तो बहुत सारे एक्टर थे जो सिंगर थे, मैं सिंगर नहीं था, तो मेरे लिए यहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो दो चार साल मैंने देखा कि यार फिल्में भी मेरे पास कम हैं और मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जिसका मैं हकदार था, क्योंकि अभिनय मैं शुरू से ही बड़े दिल से करता था, हमेशा से कुछ अलग करना चाह रहा था। उसी बीच मैंने अपने आप से वादा किया कि यश कुमार जो धारा बह रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उस धारा के विपरीत चलो, तभी कुछ अच्छा होगा। तो मैंने अपनी दिशा अलग कर ली, मैंने कथा वाली फिल्में जो फिल्में कथा प्रधान होती थी, जो फिल्में पारिवारिक होती थी, उसके ऊपर ध्यान दिया और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला कि मुझे परिवार वालों ने, जो भोजपुरी सिनेमा के पारिवारिक दर्शक हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया कि यश कुमार सबका चहेता बन गया। तो जो कुछ भी है मेरे दर्शकों की खुशबू नहीं मिली वहाँ पे। मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जितने लोग भी देखते हैं शायद कोई 1 लाख में एक आदमी होगा जो लंदन गया होगा या कोई अमेरिका गया होगा। तो मुझे लगता है वो 99,999 लोग भोजपुरी की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे उस एक इंसान के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो अमेरिका में रहता हो, जो लंदन में रहता हो। मैं उन 99,999 लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जो भोजपुरी की मिट्टी से जुड़े हैं, जो भोजपुरी 95 फिल्में करने के बाद भी आज तक घमंड क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं आज भी मिट्टी में बैठता हूँ, मिट्टी में रहता हूँ और मिट्टी से जुड़े हुआ कलाकार हूँ। तो इस मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद। मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं, और अभी हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने अभिनेता यश कुमार जी आज हमारे साथ हैं, और फिल्म की शूटिंग यहाँ पे चल रही है और जानेंगे कौन सी फिल्म है, क्या स्टोरी है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जितने लोग भी इस समय यश कुमार को देख रहे हैं आप सबको यश कुमार का प्रणाम। दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सा फिल्म का शूटिंग हो रहा है, तो थोड़ा फिल्म के बारे में बताइए दर्शकों। जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वो बड़ी ही महत्वाकांक्षी फिल्म है भोजपुरी सिनेमा में, अभी तक तो फिल्में ऐसी नहीं बनी हैं। इस फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, और हाथी को लेकर के एक ऐसी कहानी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को उम्मीद नहीं होगा कि हाथी इस तरीके का भी काम करेगा। दो भाइयों की कहानी है, एक भाई यश कुमार है और एक भाई हाथी है। तो एक भाई के लिए कितना समर्पण दिखाता है और किस हद तक जाता है ये सब सिनेमा में देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बन रही है जिसका नाम है हाथी मेरे साथी। आप पिछले कुछ दिनों से लगातार जानवर पे फिल्में बना रहे हैं, बंदर पे है, कुत्ता पे है, इस तरह की फिल्में जो 80-90 के दशक में बनती थी पहले, अब जाके कहीं अब फिर दोबारा से आपने एक नया ट्रेंड चला दिया है। एक्चुअली जानवर हमेशा से वफादार रहे हैं। आज अगर समाज में देखिए तो वफादारी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। इंसान इंसान को काटने के लिए दौड़ रहा है, इंसान इंसान की कामयाबी से जलता है। तो मुझे लगता है कि जानवर बहुत वफादार होते हैं। इंसान के साथ काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जानवरों के साथ काम कर लीजिए, उसमें वो इमोशन दिख जाता है, वो अपनापन दिख जाता है जो दूसरों इंसानों में नहीं दिख पाता है। इंसानों के लिए कटाक्ष नहीं है ये, पर मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से लगता है मुझे कि बाहर निकल करके कुछ अलग करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और ये अलग करने की शुरुआत मैंने बिटिया छठी माई से की थी। सब लोग तो वही लहंगा चोली ढोंडी में घुसे हुए थे, मैंने सोचा कुछ अलग करता हूँ, दर्शकों का बहुत प्यारा आशीर्वाद मिला। हाँ, तो फिर मैंने टारगेट किया कि यश कुमार की फिल्मों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा जो एक माँ नहीं देख सके, एक बहन नहीं देख सके, एक भाई बहन एक साथ बैठ करके ना देख सके, एक माँ बेटा एक साथ बैठ के ना देख सके। तो हमने हमेशा ऐसी फिल्में बनाई हैं जो परिवार को बैठ करके देखें,
जानवरों के साथ रही बात तो उसकी शुरुआत मैंने इच्छाधारी से की थी। इच्छाधारी के बाद मैंने नागराज बनाई थी, फिर कसम पैदा करने वाले की बनाई थी उसमें बंदर और कुत्ता थे, फिर कसम पैदा करने वाली पार्ट टू बनाई थी, दो दो कुत्ता थे उसमें सांप था, फिर हमने जानवर और इंसान बनाई जो पिछले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, उसे फिल्म फेयर वालों ने ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। तो जानवर कहीं ना कहीं मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मैंने घर में भी जानवर पाले हुए हैं, तो मैं जानवरों के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, इसलिए मैं जानवरों के साथ काम करता रहता हूँ, कंटिन्यू और निरंतर करता रहूँगा। भोजपुरी में जिस प्रकार से गंध मची है, उस गंध में आपने अपना एक अलग पहचान बनाया है। भोजपुरी में जब भी आपका नाम लिया जाता है, बड़े अदब से लिया जाता है, और पारिवारिक फिल्में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारा आशीर्वाद मिलता है, क्या कही है? मैंने आपको बताया ना कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो बहुत सारे एक्टर थे जो सिंगर थे, मैं सिंगर नहीं था, तो मेरे लिए यहाँ टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो दो चार साल मैंने देखा कि यार फिल्में भी मेरे पास कम हैं और मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, जिसका मैं हकदार था, क्योंकि अभिनय मैं शुरू से ही बड़े दिल से करता था, हमेशा से कुछ अलग करना चाह रहा था। उसी बीच मैंने अपने आप से वादा किया कि यश कुमार जो धारा बह रही है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, उस धारा के विपरीत चलो, तभी कुछ अच्छा होगा। तो मैंने अपनी दिशा अलग कर ली, मैंने कथा वाली फिल्में, जो फिल्में कथा प्रधान होती थी, जो फिल्में पारिवारिक होती थी, उसके ऊपर ध्यान दिया, और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला कि मुझे परिवार वालों ने, जो भोजपुरी सिनेमा के पारिवारिक दर्शक हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया कि यश कुमार सबका चहेता बन गया। तो जो कुछ भी है मेरे दर्शकों की वजह से है, मेरे दर्शक हैं तो मैं हूँ। अच्छा, फिल्में जो हैं बाकी लोग बड़े शहरों में जाकर करते हैं, आपने एकदम ग्रामीण जो क्षेत्र है उस जगह को आप चुनते हैं और जो हकीकत है वो दुनिया को दिखाते हैं। देखिए, करने के लिए तो मैं भी लंदन गया था, शूटिंग करके आया पिछले साल, पर मुझे भोजपुरी माटी की खुशबू नहीं मिली वहाँ पे। मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जितने लोग भी देखते हैं, शायद कोई 1 लाख में एक आदमी होगा जो लंदन गया होगा या कोई अमेरिका गया होगा, तो मुझे लगता है वो 99,999 लोग भोजपुरी की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो मुझे उस एक इंसान के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो अमेरिका में रहता हो, जो लंदन में रहता हो, मैं उन 99,999 लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ जो भोजपुरी की मिट्टी से जुड़े हैं, जो भोजपुरी की खुशबू से जुड़े हुए हैं। और भोजपुरी में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि विदेशों में बनी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है आज तक, तो मैं क्यों जाऊं विदेश, जब मेरे सारे भाई, मेरे सारे दर्शक यहाँ भोजपुर में हैं, तो मैं भोजपुर में ही खुश हूँ। अगर जानना चाहेंगे जो आप पागल वाली और रोल और इमोशनल रोल ही क्यों करते हैं? इमोशन से हर रिश्ता जुड़ा हुआ है, बिना इमोशन के तो संसार ही नहीं है। एक पिता का एक पुत्र के साथ इमोशन है, एक माँ का अपनी बेटे के साथ है, एक भाई का अपनी बहन के साथ है, एक बीवी का अपने पति के साथ है, गर्लफ्रेंड जो है उनका अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी रिश्ते हैं जो इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं। और इमोशन है, मुझे इसलिए इमोशन है और इसलिए इमोशन वाला रोल करता हूँ कि एक तो मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बेटी है जो मेरे, जिसकी जान बसती है मेरे में, और दूसरी चीज़ कि मैं 3 बहनों का भाई हूँ, एक ऐसे परिवार का लड़का हूँ जहाँ हर रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ की उम्र की जितनी भी औरतें हैं वो मेरी माँ जैसी हैं, मेरी बहन की उम्र की जितनी औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, सब मेरी बहन के जैसी हैं, जो मेरे दोस्त की उम्र की हैं वो दोस्त जैसी हैं। तो इमोशन अगर नहीं रहता तो ये रिश्ते नहीं रहते। इमोशन हमेशा पकड़ करके चलिए, इमोशन से अगर आप जुड़ते हैं या मेरी फिल्में देख करके, अगर जैसे मैं एक माँ के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, एक बहन के ऊपर फिल्म बनाता हूँ, और मेरी फिल्में देख करके अगर कोई लड़का जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है, कोई लड़का जो अपनी बहन की इज्जत नहीं करता है, अगर मेरी फिल्में देख करके उनके अंदर बदलाव आता है, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये प्रयास अच्छा है और मैं हमेशा करता रहूँगा। चलते चलते क्या कहिएगा दर्शकों से? दर्शकों से ये कहो कि भैया तोलो बहुत प्यार देला जा हमरा के, हमेशा देत रहिया जा, कहें से कि यश कुमार जौन कुछ भी बाड़े रहुआ सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से बाड़े। और हम बड़ा खुल के कहता हूँ मैं ये बात, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़ा होऊंगा तो कहूँगा कि आप मेरे भगवान हैं और पीछे उतर के गाली दूंगा, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है कि स्टेज पर बोला जाता है कि आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे ये हैं वो हैं, और एक सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग फैंस गाली सुन जाते हैं, तो मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मैं वो लड़का हूँ जो कैमरे के सामने हूँ वही वास्तविक जीवन में भी हूँ। 94 नंबर 94-95 फिल्में करने के बाद भी आज तक घमंड क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। मैं आज भी मिट्टी में बैठता हूँ, मिट्टी में रहता हूँ और मिट्टी से जुड़ा हुआ कलाकार हूँ।
तो इस मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार को अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहिएगा, ताकि अभिनय के माध्यम से मैं आप सबकी सेवा करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए शूटिंग रोक कर, और बाकी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भैया पे जिस प्रकार से आप प्यार दुलार बनाए हुए हैं वैसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, और इस बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कॉन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।